खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद से है, जहां दिल्ली और नोएडा से अपने घर जाने के लिए निकले मजदूरों को एक मॉल में भेज दिया गया। कौशाम्बी स्थित एंजल मॉल में हजारों की संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल ये वो मजदूर हैं जो दिल्ली एनसीआर के शहरों में रहकर मजदूरी करते थे और अपना पेट पालते थे। देशव्यापी लॉकडाउन के बाद इनके सामने खाने पीने की समस्या आने लगी, जिसकी वजह से ये मजदूर अपने परिवार के साथ इन शहरों को छोड़कर अपने गांव की ओर निकल पड़े। लेकिन प्रशासन सड़कों पर घूम रहे इन मजदूरों को गाड़ियों में भरकर आश्रय स्थल तक पहुंचा रहा है। ऐसा ही एक आश्रय स्थल कौशाम्बी के एंजल मॉल को बनाया गया है, जहां मजदूरों को इकट्ठा करके रखा गया है। लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस खुद इसका पालन करना भूल गई, जिसकी वजह से मॉल में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। कल से आया हूं सर। कहाँ जाना है? फैजाबाद। तो यहाँ कैसे पहुँचे आप? कुछ 86 गए थे, जा रहे थे 86 से, वहाँ से गाड़ी भर के यहाँ भेज दिया, बोले यहाँ से बच जाएगी और अभी तक यहाँ आने वाले थे। गुड़गावा का रहे थे, तो गुड़गावा के जा रहे थे गाजियाबाद के पुलिस वाले बोले पहुँच जा रहा है, बैठ जाओ जा रहा है गोरखपुर बैठे जा रहा, वहाँ पर 2 दिन के पड़े हैं बस। यहाँ कब से हो मॉल में? कल से हैं। कल से हैं, गोरखपुर के भेज ही नहीं रहे हैं यूपी का, बिहार का, कल का 2 पहुंच गया, फिर आज पहुंच जा रहा है यार। दोबारा ऑपरेशन भी हुआ है तो हम दिल्ली में, हमारा इलाज नहीं हुआ तो हम गाँव जा रहे हैं इलाज कराने खातिर। 62 से बोले कि चलो तुमका फ्री बस ले जाएगी। फिर जब वहाँ से लाए तो यहाँ पुलिस वाले ने पकड़ लिया, यहाँ बंद कर दिया अंदर में। अब बच्चा हमारा दूध भी ऊपर के पीता है, हमारी इलाज भी यहाँ भी नहीं हो रही, हमको रात भर नींद नहीं आई, इधर यहाँ पे दिक्कत। अब पुलिस वाले से बोले अभी देख रहे हैं 2 घंटा रुक जाओ, 1 घंटा रुक जाओ, 2 घंटा। कब से हो आप यहाँ पे? कल से परेशान हम लोग।